गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ, सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर्स। सो टेक आउट योर कंप्यूटर बुक्स एंड कॉपीज। तो देखिए, कंप्यूटर्स में हमारे 3 चैप्टर्स हम कंप्लीट यहाँ पर कर चुके हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, हाउ कंप्यूटर वर्क्स, विंडोज़ 7। इसमें हम कर रहे हैं, प्रीवियस वीडियो में हम अपना स्टार्ट कर चुके थे मॉडल क्वेश्चन पेपर, जिसमें आपके जो ये 5 ये जो चैप्टर्स हैं आपके, इससे रिलेटेड क्या होते हैं, इनमें क्वेश्चंस होते हैं। तो ये हम करेंगे, जो कि हम अपना मॉडल क्वेश्चन पेपर यूनिट फर्स्ट हम स्टार्ट भी कर चुके हैं। पेज नंबर है आपका 70। यहाँ पे देखिए, ट्रू और फॉल्स फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से हम 1-5 कर चुके हैं। नेक्स्ट हम करेंगे, इसमें स्टेटमेंट दिए गए हैं आपको और सही और गलत में आपको बताना है। तो नेक्स्ट करेंगे, मॉडल क्वेश्चन पेपर है आपका, नोट डाउन करेंगे आप और साथ में इसको क्या करेंगे, आप लर्न भी करेंगे। चैप्टर जितने भी आपको करवाए हैं, जितने भी हम पढ़ चुके हैं, आपने चैप्टर्स को अच्छे से रीड करना है, पढ़ना है, समझना है, लर्न भी करते रहना है। क्या स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए इसमें, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स कैन बी यूज्ड फॉर वेदर फॉरकास्टिंग। अब ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पर हम पहले ऑलरेडी 4 यहाँ पर कर चुके हैं, ठीक है। हम अभी कहाँ से कर रहे हैं, 5 वाले F से कर रहे हैं हम, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए क्या है, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स कैन बी यूज्ड फॉर वेदर फॉरकास्टिंग। जो आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, वो कह रहा है कि इसका इस्तेमाल हम वेदर फॉरकास्टिंग के लिए कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल रॉन्ग है। डेस्कटॉप कंप्यूटर आपका क्या है, एक जनरल पर्पस कंप्यूटर है, ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर है ये। इसका यूज़ हम जनरली आम तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल हम वेदर फॉरकास्टिंग के लिए नहीं करते। क्योंकि वेदर फॉरकास्टिंग के लिए क्या होता है, वेदर फॉरकास्टिंग, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि मौसम विभाग जो होता है, वो पहले से ही मौसम की भविष्यवाणी कर देता है कि आज मौसम किस तरीके का होगा, आज से 2-3 दिन के बाद कैसा मौसम होगा। तो मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए हम डेस्कटॉप कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके लिए हम कौन सा करते हैं कंप्यूटर का इस्तेमाल, सुपर कंप्यूटर का। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, फॉल्स। नेक्स्ट है आपका, सुपर कंप्यूटर आर द फास्टेस्ट कंप्यूटर, बिल्कुल सही है। जो सुपर कंप्यूटर है, वो जो और आपके अदर कंप्यूटर्स हैं, जैसे आपका माइक्रो कंप्यूटर हो गया, सर्वर कंप्यूटर है आपका, इन सबसे ज़्यादा तेज गति से जो आपका काम करता है, वो क्या है आपका, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर की मदद से हम बहुत सैटेलाइट में काम करते हैं, या आपकी एनिमेशन मूवीज़ हो सकती हैं, या सॉरी आपका जैसे वेदर फॉरकास्टिंग हो गया, एयरक्राफ्ट्स की डिज़ाइनिंग के लिए भी हम क्या करते हैं, सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फास्टेस्ट कंप्यूटर है कंपेरिजन टू अदर कंप्यूटर के। तो ये स्टेटमेंट क्या है आपका, ट्रू है। थर्ड है आपका, लैपटॉप्स हैव इनबिल्ट रिचार्जेबल बैटरी। जो लैपटॉप्स होते हैं आपके, जैसे आपका फ़ोन होता है, मोबाइल फ़ोन है आपका, तो ये क्या है, रिचार्जेबल बैटरी। इसी में ही क्या होती है, आपकी बैटरी होती है, जिसे हम क्या करते हैं, चार्जर मिला होता है ना आपको, है ना, देखा है आपने, आप लोगों में से बहुत बच्चे करते भी होंगे। तो लैपटॉप को वर्क करने के लिए हमको उसको पहले क्या करना होता है, चार्ज करना होता है, इसकी बैटरी को रिचार्ज करना होता है। और ये इनबिल्ट होती है लैपटॉप में ही, इसकी होती है बैटरी, जिसे हम क्या करते हैं, चार्ज हमें करना होता है। इसे हम डायरेक्टली स्विच बोर्ड में प्लग नहीं यूज़ करते, इसको हम पहले फ़ोन की तरह ही क्या करते हैं, चार्ज हम करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, बिल्कुल सही है। ये 3 स्टेटमेंट्स आप नोट करेंगे, लर्न करेंगे, चैप्टर्स अपने पढ़ते रहेंगे। सो थैंक यू क्लास।